सुनो सुनाए एक कहानी कैसे बनाए शीश का दानी क्यों मांगा था शीश दान में श्री कृष्ण ने क्यों कहलाए अमर वरदानी क्यों कहलाए अमर वरदानी। आइए प्रेमियों बाबा श्याम की कथा मिलकर तालियां बजाकर बोलना। हरे का तू है सहारा सांवरे हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। नहीं और कहाँ जाए अब बोल कहाँ जाए बोल कहाँ जाए नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। पर उठा लेना दोनों हाथ, इजाजत दे दो मुझे कथा सुनाने की। मीठी मीठी तालियां बजाकर बोलना। हरे का तू है सहारा सांवरे हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली मेरे कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बरबरीक। बोलिए महाबली बरबरीक की जय हो। बाल घुंघराले थे बरबर थे इसलिए नाम पड़ा बरबरीक। पैदा होते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की, जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर, ऐसे ही क्षत्रिय परिवार से थे। कुछ शक्तियां प्राप्त करने की सोची। माता मोरवी के लाल है, मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। हो जय हो जय हो जय हो जी। 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 मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। माँ के पास गए, माँ मैं भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा जाओ, सबसे पहले मेरे भोलेनाथ के पास जाओ। शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बरबरीक भोलेनाथ को मनाने। भोले तू मेरा मैं तेरा तू।
दे, बाबा साहब से पिला दे। थोड़ी थोड़ी तालियां। और मेरे भोलेनाथ की दया से मेरे बाबा श्याम को तीन बाण ऐसे प्राप्त हुए जिनसे पूरी दुनिया जीत सकते थे। बोले तीन बाण धारी की जय हो। जब इंसान के पास धन आता है तो इस्तेमाल करने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, माँ मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा जा, लेकिन जाने से पहले दो वचन देकर जा। पहला वचन, हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए हम बोल कहाँ जाए, और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। हरे का तू सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। और दूसरा वचन कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ मांगेगा तू इनकार नहीं करेगा। जैसे मेरे भोलेनाथ की नंदी की सवारी, मेरी माँ की शेर की सवारी, ऐसे ही मेरे बाबा श्याम। ओ नीले घोड़े का सवार खाटू मानो सांवरे, ओ नीले घोड़े का सवार खाटू मानो सांवरे, हिल गए, दुर्योधन हिल गए। लेकिन जब अर्जुन का रथ हिला तो अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, हे माधव जाओ इसे देख कर आओ कि ये कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसे देखने से ऐसा लगता है कि हम युद्ध हार जाएंगे। अब मेरे भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर कर बरबरीक के रास्ते में पहुंचे और कहा, बरबरीक कहाँ जाते हो। बरबरीक बोले, प्रभु मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। प्रभु बोले, अभी तेरी खेलने कूदने की उम्र है। बरबरीक बोले, प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। प्रभु को यकीन हो गया अगर ये युद्ध में आ गया तो एक एक को ढूंढ कर मारेगा। अब प्रभु ने पूछा, बोले कौन से ऐसे तरकश में तेरे तीन बाण हैं। अब प्रभु कहने लगे, बरबरीक बोले, प्रभु मेरे तरकश में जो तीन बाण हैं, एक बाण एक योद्धा को देखता है तो दूसरा बाण उसे समाप्त कर देता है। इस बरबरीक की चर्चा गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, जिसने पढ़ा हो उसे पता होगा। कहा कि प्रभु जो मेरे तरकश में तीन बाण दिखाई दे रहे हैं, एक बाण एक योद्धा को देखता है तो दूसरा समाप्त कर देता है। और प्रभु बोले, बोले तीसरा, लेकिन तीसरे की आज तक जरूरत नहीं पड़ी। अब प्रभु समझ गए कि ये कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। अब प्रभु बोले, साबित करके दिखाओ, ऐसे बात थोड़ा ही बनेगी, थोड़ी आप भी ताली बजाओ ना। प्रभु बोले, बरबरीक साबित करके दिखाओ कि कौन सी ऐसी शक्ति तुम्हारे पास है जो तुम इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हो। सामने पीपल का पेड़ था और बरबरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पर बाण और एक ही तीर से सारे पेड़ के पत्ते बीन दिए।
आखिर में एक पत्ता ब्राह्मण देवता ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। बरबरीक को पता था कि एक पत्ता महाराज के पैर के नीचे है। बरबरीक बोले, प्रभु अपना पैर हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। अब प्रभु समझ गए कि कुछ ना कुछ तो बात है। अब प्रभु ने बोला, बरबरीक बता तू किसकी ओर से लड़ेगा। बरबरीक बोले, प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ। क्या? हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। अब मेरा मोर मुकुट पंछी वाला बड़ा छलिया, लेकिन बरबरीक को इस बात का नहीं पता। बरबरीक को पता है कि सामने ब्राह्मण देवता खड़े हैं। अब पर ब्राह्मण छलिया जो आज तक किसी का नहीं हुआ, देवकी ने जन्म दिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला यशोदा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा ब्रज को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया राधा को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को आपस में लड़ाकर छोड़ दिया, ये किसी का नहीं हुआ सर। लेकिन बरबरीक अब भी इस बात से अनजान है। बोले, ये तूने कैसा वचन दे दिया हारे का सहारा, अगर तू पांडवों की साइड लड़ेगा तो हारने लग जाएंगे, तू कौरवों की साइड हो जाएगा। अब बरबरीक सोच में पड़ गए, कहा, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा। प्रभु ने कहा, बरबरीक हे महानायक, इस सृष्टि के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं तीन महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। पहला श्री कृष्ण का, दूसरा अर्जुन का, तीसरे बरबरीक बचे तुम। कृष्ण अपना शीश दान नहीं दे सकता क्योंकि उसको युद्ध रचना है। अर्जुन अपना शीश दान नहीं दे सकता क्योंकि उसको युद्ध खेलना है, तो बचे बरबरीक तुम। अपना शीश का दान दो और इस सृष्टि का कल्याण करो। अब बरबरीक ने कहा, प्रभु ये मोरवी का लाल आपको वचन देता है कि शीश का दान जरूर दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आज पहली बार महाभारत ने, महाभारत में श्री कृष्ण को अपने विराट रूप में आना पड़ा और झोली पसार कर बरबरीक के सामने खड़े हो गए। बरबरीक के सामने खड़े हो गए, बोले, बरबरीक अपने शीश का दान दो और इस सृष्टि का कल्याण करो। बरबरीक ने निकाली तलवार और चढ़ा दी अपनी गर्दन पर और झोली पसार कर मुरली वाले के सामने। मांगा शीश कदान मुरली वाले ने, 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 और एक 14 साल के बालक ने दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने बाबा, शीश उतार कर दे दिए। कन्हैया ने पूछा, बोले, बरबरीक अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो अब भी मुझे बता दो। बरबरीक बोले, प्रभु मैं युद्ध खेलने आया था लेकिन खेल नहीं पाया, पर देखने की आशा रखता हूँ। श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पिलाया और एक ऊंची चोटी पर विराजमान कर दिया।
बोले बरबरीक, इस शीश को तुम्हें अमृत पिला दिया गया है, अब तुम आराम से इस सारे खेल को देख सकते हैं। अब बरबरीक ने सारा खेल देख लिया, लेकिन जब आखिरी में युद्ध पांडव जीत गए तो उनके मन में अहंकार आ गया। वो कहने लगे कि मैंने जिताया है। युधिष्ठिर ने कहा मैंने जिताया, भीम ने कहा मेरी गदा ने जिताया, अर्जुन ने कहा मेरे बाणों ने जिताया, नकुल सहदेव कहने लगे मैंने जिताया, लेकिन निर्णय कौन करे। मन में अभिमान थाया, युद्ध हमने है जिताया, मन में अभिमान थाया, युद्ध हमने है जिताया, मन में अभिमान थाया, युद्ध हमने है जिताया, मन में अभिमान थाया, युद्ध हमने जिताया। लेकिन इस बात का निर्णय कौन करे कि युद्ध किसने जिताया है। चलो चले उस कृष्ण के पास, चलो चले उस कृष्ण के पास, कृष्ण के पास जा रहे हैं पांडव, उठा लेना दोनों हाथ। चलो चले उस कृष्ण के पास, चलो चले उस कृष्ण के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो चले 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 उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। अब सारे पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। कहा प्रभु हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि युद्ध किसने जिताया है। कृष्ण बोले अरे मुझे क्या पता, मैं तो आपके युद्ध में आपके साथ था, आपके रथ में बैठा था। लेकिन कृष्ण को पता था कि युद्ध में क्या हुआ, किसने क्या किया, लेकिन फिर भी अपने ऊपर गारंटी नहीं ली प्रभु ने। प्रभु ने कहा अरे मैं तुम्हारे रथ में बैठा था, क्या पता मेरी आंख लग गई। लेकिन अब निर्णय कौन करे। कृष्ण ने कहा एक है जिसने इस पूरे युद्ध को विस्तार पूर्वक देता है। पांडवों को कहा पांडवों अपनी झोली पसार लो, और आप भी अपनी झोली पसार लीजिए। बरबरीक के पास जा रहे हैं भगवान कृष्ण। एक बार दोनों हाथ उठाकर कृष्ण बरबरीक के पास जा रहे हैं, और बरबरीक जो हारे का सहारा जिसे वरदान मिला है, आइए चलते हैं उसके पास। चलो चले उस शीश के पास, 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 जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो चले 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 उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। बरबरीक के पास गए। बरबरीक बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा है। बरबरीक बोले प्रभु मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ आपका सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। इस युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, लेकिन अब कृष्ण को ये बात इतनी अच्छी लगी। कृष्ण ने कहा बरबरीक हे महानायक, तुम्हारे जिस शीश को मैंने अमृत पिलाया था, जाओ मैं उसे वरदान देता हूँ कि उस शीश में जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा मेरी 16 की 16 कलाएं उस शीश में विराजित हो जाएंगी, और जो तूने अपनी माँ को वचन दिया था हारे का सहारा, जो भी तेरे दरबार में पहली बार हार कर आ जाएगा उसको कोई हरा नहीं पाएगा। ये बात प्रभु को इतनी अच्छी लगी। प्रभु ने कहा बरबरीक जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तेरी हर घर में पूजा होगी, और आज आप ये नमूना देख भी रहे होंगे। जगह जगह मेरे बाबा के कीर्तन लगते हैं, जगह जगह बाबा के नाम का संकीर्तन होता है। ये वरदान है मेरे श्री कृष्ण का बरबरीक को कि जहाँ जहाँ तेरी पूजा होगी उसके घर में कभी भी संकट नहीं आएगा। क्या कहा म
महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है। खुश हो करके कृष्ण ने आपको ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, जैसे ही पहली किरण सूरज की निकलेगी, थोड़ी तालियां। क्या कहा? सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा होगी तेरी दुनिया के जब तक। जो जमानता है एक बार दोनों हाथ उठा लेना। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक अगले जन्म तक, मरते अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्मों जन्म तक। कथा समाप्त हो गई, एक बार दोनों हाथ उठा लेना, मिलकर तालियां बजाकर बोलना। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक, मरते दम तक अगले जन्म तक, मरते दम तक अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्मो जन्म तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। ये वरदान मिला है हारे का सहारा, जो हार कर बैठा है उठाना और बोलना हरे 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 के सहारे श्याम, तुम्हारे हरे हरे ओ, तुम्हारे के सहारे। और बोलना क्या दूं तुझे क्या है मेरा, क्या दूं तू जो है मेरा सब है तेरा। बोलो तुमने दिया मुझको प्रभु सब तुमने दिया, दिल की कहूँ सुन लो प्रभु अब दिल की, तेरे भरोसे रहूँ